एवरीवन, वेलकम टू अ मेकअप चैलेंज। आज हम करेंगे 60 मिनट्स वर्सेस 6 मिनट मेकअप, कि अगर मेरे पास फुर्सत से एक घंटा होगा तो कैसा मेकअप बनेगा, और अगर मेरे पास मेरे यूजुअल 6 मिनट होंगे तो कैसा मेकअप होगा। तो हम आधा फेस करेंगे एक घंटे में और ये आधा करेंगे 6 मिनट में। ओरिजिनली ये वीडियो मैंने निकी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे देखा था, तो ऑफकोर्स आई लिंक हर वीडियो डाउन बिलो। एंड ऐसा मत सोचना कि अरे 60 मिनट का चैलेंज है तो वीडियो 60 मिनट लंबी तो है नहीं। जहाँ पे भी मैं सेम चीज कर रही हूँ, मतलब जैसे फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ, पर साथ में टाइमर भी फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो मैं चीटिंग नहीं कर रही। आज मैंने नेल पॉलिश स्वेटर पे मैच की है। टाइमर बिगिंस इन 3, 2, 1, लेट्स गो। ओके, तो सिंस मेरे पास एक घंटा है, मैंने लाइफ में कभी एक घंटा नहीं लिया मेकअप करने के लिए, तो मैं आराम से मेरा स्किन केयर भी अभी करूंगी। आई नो निकी ने अपना स्किन केयर कर लिया था, बट तो मैंने मेरा फेस क्लेंज और एक्सफोलिएट कर लिया है। अभी मॉइस्चराइजिंग का टाइम है, तो हम आराम से CETM करेंगे। सी और ई हो गया, टी की बारी। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस शॉप का मैंगो सीड रेंज। एक्चुअली उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले भेज दिया था, उन्होंने मुझे टोटल 5 चीज़ें भेजी है, उसमें से ये टोनर मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ये मैंगो सीड एडवांस मॉइस्चराइजिंग टोनर। अभी ये टोनर का चीज़ मुझे क्या पसंद है मालूम है, कि ये बहुत ठीक है, तो ऐसा फील नहीं होता कि पानी जैसा कुछ लगा रहे हो, एकदम सीरम वाली फीलिंग आती है। एंड लगाते से ही बहुत एक फ्रेशनेस का बर्स्ट मिलता है, एंड स्किन स्टेज मॉइस्चराइज फॉर लॉन्ग। क्योंकि मेरे साथ क्या सीन हो जाता है कि अगर मैंने चेहरा धोया है और फिर उसको मॉइस्चराइज नहीं किया ना, तो बहुत जल्दी डर्ट पकड़ लेता है वापस। पर अगर मैं ये टोनर लगा देती हूँ ना, तो मेरा चेहरा एक दिन तक मॉइस्चराइज रहता है। इसमें सेरामाइड है, शिया बटर है, एंड हाइलुरोनिक एसिड है, एंड ये तीनों के तीनों मॉइस्चराइजिंग के लिए अच्छे होता है, तो इफेक्ट तो दिखना ही है। मेरा जो सेकंड यूजुअल स्टेप है ना, वो है आई क्रीम। द थिंग इज, मैंने आई क्रीम अभी तक सिर्फ रात को अप्लाई किया है नहाने के बाद, सोने के पहले, एंड उससे मुझे काफ़ी डिफरेंस तो दिख ही रहा है, बट मैंने कभी ऐसे हैवी मेकअप के नीचे लगा के ट्राई नहीं किया। आज हमें मालूम पड़ेगा आई क्रीम से कुछ डिफरेंस लगेगा कि नहीं, क्योंकि 6 मिनट के साइड पे मैं आई क्रीम नहीं लगाने वाली। एंड देन माई थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो मैं करती हूँ इज यूजिंग द मॉइस्चराइजिंग लोशन। अभी ये रेंज में ना मॉइस्चराइजिंग बटर भी आता है, लेकिन ये मुझे मेरे फेस के लिए इतना जमा नहीं, क्योंकि मुझे थिक लगा, तो इसको मैं इंस्टेंट लिप्स पे यूज करती हूँ। लोशन भी सिर्फ आधा पंप का भी आधा, क्योंकि आधा पंप मेरे फुल फेस पे हो जाता है। हमें आज भी डिफरेंस दिखेगा, एंड इन जनरल भी जब मैं स्किन केयर के बाद मेकअप करती हूँ ना, लेकिन अगर आप कोई ठंडी जगह में रहते हो ना, देन दिस मॉइस्चराइजिंग बटर इज मच बेटर देन द लोशन। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे बहुत गर्मी है, मुंबई में अभी भी बहुत गर्मी है, तो मेरे लिए थोड़ा हैवी हो गया। बट अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हो या कोई और जगह पे जहाँ पे बहुत ठंडी है, बटर इज डेफिनेटली बेटर। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस रेंज डेली सिंस द डे आई गॉट इट। तो बात करते करते आराम से फिर भी सिर्फ 5 मिनट लगे, इसलिए मेरे को ये स्किन केयर करने में आलस नहीं आती, नहीं तो जो प्रोडक्ट्स को रगड़ना पड़ता है ना, आई गेट वेरी लेजी इन अप्लाइंग दैट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर मेकअप। मेकअप के लिए शुगर कॉस्मेटिक्स ने हमें एक फुल फेस ऑफ मेकअप भेजा, तो आज हम इसका भी रिव्यू करेंगे साथ साथ में। टेंशन मत लेना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो अगर आपको कुछ भी पसंद आए ना वीडियो में से, तो आप इजिली ले पाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर के साथ। ये है शुगर का बेस ऑफ क्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन, एंड ये है स्टिक फाउंडेशन। मैंने एक्चुअली स्टिक फाउंडेशन कभी ट्राई नहीं किया, एक्सेप्ट वो 100 rupees वाला मेकअप चैलेंज जिसमें ब्लू हेवन का स्टिक ट्राई किया था, बट वो भी शायद कंसीलर के तौर पे था। ओह, ये साइड ब्रश है, काफी सॉफ्ट है, एंड फिर ये साइड तो प्रोडक्ट होगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कि इसके बाहर नहीं जाने का है। फाउंडेशन डन। अभी एक्चुअली मैं आई मेकअप पे मूव ऑन करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा आईज पहले करना पसंद है, ताकि सारा फॉल आउट हट जाए, लेकिन उसके पहले हल्का सा इसको पाउडर कर देता है। 13 मिनट्स आर गॉन, एंड मैं अभी तक प्लास्टिक हटा रही हूँ। आह, अब क्या क्लियर है मिरर। डन। अभी आईज के ऊपर पहले कंसीलर लगा लेते थोड़ा एज लाइक अ प्राइमर। ये है शुगर का मैजिक वॉन्ड वाटर प्रूफ कंसीलर।
सही कवरेज. एंड नाउ वी हैव द ब्लेंड द रोल्स आई शेडो पैलेट इन 01 फ्लॉलेस. आई एम एक्साइटेड टू सी द कलर्स. वो बहुत कॉपरी है. मुझे कॉपर टोन्स बहुत पसंद है. इसमें ना लाइट मैट आई शेडो नहीं है तो मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ आईज पे पहले. ओके, तो पहले बेस तैयार करेंगे सबसे लाइट आई शेडो से. मैं ना निकी ट्यूटोरियल्स जैसा लुक ट्राई करना चाहती हूँ. खत्म होने आए. आई थिंक मैं 10-15 मिनट आईज पे ले सकती हूँ क्योंकि बाकी का फेस में शायद इतना कुछ करना है नहीं. ये आई शैडो ब्लेंड होने के बाद लाइट हो रहा है. ब्लेंड तो अच्छे से हुआ लग रहा है बट अब मैं थोड़ी ब्रेव होने वाली हूँ. मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम कट क्रीज ट्राई करने वाली हूँ. एक्चुअली मुझे कट क्रीज उतना कुछ फैंसी नहीं लगता. कट क्रीज तो सिर्फ ऐसा लगता है कि कंसीलर को ग्लू के तौर पे लगा रहे हैं फिर उस पर ग्लिटर लगा रहे हैं. एंड अब हम खेलेंगे. ओके, मैं ना ये बहुत प्रिटी वाला कॉपर पूरे आग पे लगाऊंगी. I wish ये palette में एक dark matte color होता तो इसको smoky look दे सकते थे. इसमें एक dark shimmery shade जरूर है but I don't know how that will work. Main इसके जो shimmery shades है ना मक्खन की तरह आ गया eyes पे. बस अब थोड़ा lower lash line पे. My mind is blown. एक गलती से टच में मेरे को ये मिला है. Next हम करेंगे eyebrows. अरे ये तो वो fancy expensive वाले makeup pencils, eyebrow pencils जैसा है जो एकदम ऐसे slant वाले होते हैं. Worth it. I have tried ये price के और दूसरे eyebrow के products. ये सबसे बेस्ट है सो फार. अब करेंगे मस्कारा. आई डोंट नो इफ आई लाइक दैट. अभी के लिए बाकी का फेस फिनिश करते हैं. कॉन्टोर हाईलाइट एंड ब्लश पैलेट. लेकिन पहले मुझे कंसीलर से थोड़ा फिक्स करना है आसपास. एकदम कूल टोन है बट आई डोंट थिंक ये डार्कर स्किन टोन्स पे काम करेगा. आई थिंक फेस के लिए लास्ट बस आई थिंक सिर्फ लिपस्टिक बाकी है. 12 मिनट फिर भी बाकी है तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ कि बहुत टाइम है. ये पर एकदम जेफ्री स्टार वाला फीलिंग आता है. बहुत गंदा इंप्रेशन था. अभी शुगर का मैंने सबसे ज्यादा जो नाम सुना था वो था स्मज मी नॉट लिपस्टिक का. क्यों ना लिपस्टिक को थोड़ा सा कॉन्टोर वॉन्टोर करे लाइक शिमर करे. Okay. And mascara ka second coat. You do.
एंड मेरे पास अब भी एक मिनट बचा है तो मैं मेरे बाल को थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। ये है फेस शॉप का मैंगो सीड एडवांस रेडिएंट मॉइस्चराइजिंग ऑयल, लेकिन इसको बाल पे भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एवरी प्रोडक्ट इन दिस रेंज इज मल्टी फंक्शनल, लाइक द टोनर कैन बी यूज एज अ टोनर एंड अ सीरम, द बटर कैन बी यूज ऑफकोर्स एज अ मॉइस्चराइजर, लिप बटर एंड ऑल्सो अ प्राइमर, एंड द ऑयल कैन बी यूज एज अ फेस ऑयल बट ऑल्सो इन द बॉडी एंड हेयर, लाइक हाउ आई एम यूजिंग इट राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि फ्रिज इंस्टेंटली हट रहा है। ये कार्यक्रम किया है मैंने 60 मिनट में। ऑनेस्टली आई थिंक अब हम करेंगे 6 मिनट वाला साइड, एंड मुझे 6 मिनट के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्योंकि मुझे काइंड ऑफ मालूम है कि मैं कैसे करूंगी। आर यू रेडी फॉर 6 मिनट्स? लेट्स गो। ओके ओके ओके, सबसे पहले आईब्राउज। ओके आईब्राउज डन। अभी आई शैडो, सिर्फ एक शिमरी आई शैडो पूरे आंख पे लगा दूंगी एंड बस इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड 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 ब्लेंड। अभी इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हैं क्या? लेट्स सी, टाइम है क्या? एंड ये आई शैडो को थोड़ा नीचे। डन। मस्कारा मस्कारा अभी कॉन्सीलर। 3.5 मिनट। ओके वी कैन स्टिल मेक इट। पाउडर 3 मिनट, हाफ वे डन। ओके ब्लश 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 हो गया। हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट। ब्लेंड ब्लेंड। ओ माय गॉड 2 मिनट बाकी। ओके लिपस्टिक। जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मुझे लिक्विड लिपस्टिक करना नहीं पसंद क्योंकि उसको ड्राई होने देना पड़ता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक। मेरे पास और 1 मिनट बाकी तो है, तो मैं आईब्राउज फिक्स कर लेती हूँ थोड़े। और क्या कॉन्टोर कर सकते हैं? कॉन्टोर कर सकते हैं। थैंक गॉड मेरे पास अभी भी 19 सेकेंड्स है क्योंकि मुझे ये साइड भी बाल का ऑयल करना है। 6 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2। आई एम हैप्पी। ये है मेरे आईज। आई नो कि ये साइड में डेप्थ काफ़ी है ऐसा मुझे लग रहा है, पर ये साइड भी उतनी बुरी नहीं है। मेरा आईब्राउज भी, आई नो ये साइड थोड़ा बेटर लग रहा है पर ये साइड भी चल जाएगा। फिर ये रहा लाइक चीक, कॉन्टोर हाईलाइट ब्लश ऐसे विजिबल है, एंड यहाँ पे अभी भी थोड़ा मेरा ओरिजिनल ऐसे स्किन विजिबल है। और फिर ये रहे लिप्स। ऑनेस्टली मुझे राइट साइड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पे जो पहला वाला लिपस्टिक था ना, वो इतना चिपक चिपक के अनइवन लग रहा है ना। स्किन केयर से शुरुआत करें तो दिस साइड, इवन तो यहाँ पे फाउंडेशन ज़्यादा है, अभी भी मुझे ज़्यादा हाइड्रेटेड फील कर रहा है इतना सारा मेकअप करने के बाद भी। तो अगर आपको ये पूरे स्किन केयर में से कुछ भी ट्राई करना होगा तो ये टोनर एंड मॉइस्चराइजर आर माई टॉप 2 फेवरेट्स, एंड अगर थर्ड लेना है तो आई क्रीम डेफिनेटली। अब बात है प्राइमर, एक्चुअली अच्छा था। फाउंडेशन गेट्स अ बिग थम्स अप क्योंकि इतना हैवी कवरेज होने के बावजूद इतना ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने मेकअप लगाया है, तो आई लाइक द फाउंडेशन एज वेल। कंसीलर आई गिव अ थम्स डाउन, मतलब इसका कवरेज अच्छा तो है लेकिन ये फिर भी केक ही लग रहा है, लाइक एशी लग रहा है। देन वी मूव ऑन टू द आई शेडो पैलेट, एंड दिस आई शेडो पैलेट सुपर्ब, बहुत अच्छा है। एक्सपेंसिव तो है, 1200 इसका MRP लिखा है। आई डोंट नो कि ये सेल पे है कि नहीं, लेकिन इसके जो शिमरी शेड्स है ना, मक्खन। फिर हमने क्या यूज़ किया था, आई थिंक आई ब्राउज किए थे। दिस हैज़ टू बी इन माई टॉप 3 आईब्राउ पेंसिल, गेट्स अ थम्स अप। आई लाइनर, बिगर थम्स अप देन द आई शेडो पेंसिल क्योंकि आई लाइनर का पिगमेंटेशन बहुत फट है। मस्कारा आई गिव अ थम्स डाउन क्योंकि इवन तो ये अपलिफ्टिंग है, स्पाइडरी लेग्स जैसे लग रहा है। आई लाइक अ मस्कारा जो स्मूथ दिखे, ऐसे क्रिंकली क्रिंकली ना दिखे, तो मुझे मस्कारा पसंद नहीं आया। पाउडर आई गिव अ थम्स डाउन, मुझे पाउडर उतना पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा
पाउडरी है, बट एक क्या फाइन फिनिश आती है, एकदम स्मूथ फिनिश वाला भी होता है, तो मुझे ये नहीं उतना पसंद आया, तो आई डिड नॉट लाइक द पाउडर. फिर आते हैं फेस पैलेट पे, वो हाईलाइट ब्लश एंड कॉन्टोर, डेफिनेटली अ थम्स अप प्रोवाइडेड उसमें आपका शेड हो. आई डोंट नो इसमें कितने शेड रेंजेस अवेलेबल है. हाईलाइट बहुत कड़क है, लाइक आई थिंक कुछ 6 मिनट मेकअप में ये हाईलाइट सबसे ज़्यादा पॉप हो रहा है. कॉन्टोर भी मैट है तो आई लाइक दैट, बस शेड रेंज और होना चाहिए स्पेशली कॉन्टोर और ब्लश के वजह से. आई डिड नॉट लाइक द फर्स्ट लिपस्टिक, आई थिंक समझ मी नॉट, क्योंकि उसके वजह से मेरा पूरा अपर लिप में ना लिपस्टिक निकल गया है, सारा का सारा इधर चिपक गया है. वो तो मैंने वो लिप के ऊपर वो बटर लगाया था ना मैंगो सीड वाला, इसलिए अभी तक मेरे लिप्स फिर भी ठीक फील कर रहे हैं. आई लव द बुलेट वन जो राइट साइड पर लगाया था ना, बहुत ही लाइट वेट है लेकिन बहुत ही पिगमेंटेड है. तो ये था मेरा रिव्यू. ये मेकअप चैलेंज करने में मुझे भी बहुत मज़ा आया, बिकॉज आई फिगर्ड कि यार मेरे को अभी भी 60 मिनट लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे मेरे आई शैडो स्किल्स और इम्प्रूव करने चाहिए बैठ के. लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया जितना मुझे ये करने में आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं आपको मिलूंगी कल के वीडियो में. तब तक गुड बाय.